दीपक में फूल बनना ईश्वर का एक खास संकेत होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अगर आप चाहते हैं हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अपने चैनल पर हर रोज़ कुछ न कुछ अच्छी जानकारियाँ अपलोड करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति के दीपक में फूल बनता है। दीपक में फूल बनने के पीछे गहरा रहस्य होता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के सामने सच्चे मन से दीपक जलाता है तो उसके दीपक में फूल बनता है। सभी लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता है, कुछ खास लोग ही हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। यह एक खास तरह का संकेत होता है और इसके जरिए ईश्वर उस व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं। इन सब बातों को जो व्यक्ति समझ जाता है उनका ध्यान ईश्वर के प्रति गहरा हो जाता है और भी अच्छे से पूजा पाठ करने लगता है। यदि आपके दीपक में भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है तो यह संकेत है कि ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है। इसलिए आपको अपनी पूजा को और अधिक अच्छे ढंग से करनी चाहिए, उचित और तरीकों से सम्पन्न करनी चाहिए। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं। आप जिस भी देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं वह आपके कार्यों में सहायता कर रहे हैं। उनकी कृपा से आपके जितने भी काम है वह बनने लगेंगे। यदि आपके दीपक में भी रोजाना फूल बनता है तो समझ जाएं कि ईश्वर आपसे खुश हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया दीपदान उन तक पहुंच रहा है। इसलिए यदि इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको और भी ज़्यादा तन मन धन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके दीपक में फूल बनना लगातार जारी रहता है तो यह संकेत होता है कि आपकी जो भी इच्छा है वह जल्दी ही पूरी होने वाली है। आपके घर में यदि किसी प्रकार का दुख और कष्ट है तो वह जल्दी ही दूर हो जाएगा। इसलिए आपको धर्म और पुण्य का काम ज्यादा करना है। पशु पक्षियों और छोटे जीव जंतुओं के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखें। कभी भी किसी पशु पक्षी या जानवर को बेवजह नुकसान न पहुँचाएं। जहाँ तक संभव हो सके उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन दें। ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली किसी अच्छी सी जानकारी के लिए जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियोस आपके मोबाइल पे आएंगी, अन्यथा नहीं आ पाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।